हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएफ मेंबर को केवाईसी के नए अपडेट के बारे में लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर के लिए केवाईसी के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों यदि आपके सामने ऐसा वाला ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं आप कि यदि आपकी बैंक की केवाईसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसमें लिखा आया है रिजेक्ट का कारण ड्यू टू नेम मिसमैच। यदि दोस्तों आपका नाम बैंक अकाउंट के अंदर अलग होने के कारण आपका बैंक केवाईसी रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट के अंदर नाम और बैंक के अंदर नाम है जो सेम है, फिर भी आपके सामने यदि ऑप्शन ये आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो के बारे में बताते हैं। दोस्तों यदि आपके बैंक पासबुक में आप देख सकते हैं, आपकी बैंक पासबुक खोल के आपकी बैंक पासबुक में आपका नाम, नाम के बाद सन ऑफ आपके फादर नेम लिखा हुआ है, तो दोस्तों पीएफ ऑफिस वाले क्या करते हैं, उन्होंने क्या चेक कर रहे हैं कि आपकी जो भी पासबुक होगी, पासबुक है आपके सामने, पासबुक में आपको फादर नेम पास होगी उसमें आपका नाम सन ऑफ फादर नेम लिखा हुआ है, तो वो क्या समझते हैं आपका पीएफ अकाउंट से चेक करते हैं आपका नाम, लाइक जैसे आपका नाम रमेश है, ठीक है दोस्तों, और आपके पासबुक में लिखा हुआ है रमेश सन ऑफ प्रेम, तो रमेश सनो प्रेम, तो वो समझते हैं कि रमेश सनो प्रेम ही आपका नाम है, तो इसी कारण से वो उन्होंने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, बैंक केवाईसी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। उसका आपको हम 100% सॉल्यूशन बता दें कि किस प्रकार से आप अपना वो रिजेक्ट वाला ऑप्शन हटा सकते हैं। दोस्तों आपको ऐसे बैंक की पासबुक लेनी है जिसमें दोस्तों आपका नाम के आगे सन ऑफ फादर नेम ना हो, उसको ही आप केवाईसी करवाएं। आप केवाईसी करोगे तो आपके सामने वो वाला ऑप्शन हट जाएगा और आपका कंप्लीट केवाईसी बैंक का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इस प्रकार की पीएफ के बारे में हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी आ गया होगा, आप देख सकते हैं। आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए पीएफ रिलेटेड तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक दोस्तों। दोस्तों यदि इसके साथ ही दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी उस पर भी आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।